Hello students, this video is based on arithmetic progressions AP. In this video we will discuss 50 questions from our 5th chapter, means AP chapter. So without wasting our time, let's start. आप सबको पता है कि इस चैप्टर से पहले हमने 4 चैप्टर्स कवर कर लिए हैं और उसमें भी हमने हर एक चैप्टर से 50 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे. सो यहाँ पे स्टूडेंट्स एपी के बहुत अच्छे क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं. Our first question is, the first four terms of an AP whose first term is minus 2 and the common difference is minus 2 are. So students, this question is based on the basic of AP, arithmetic progression. Ab AP ki formation kis type ki hoti students? Sabse pehle A1 means first term, then A2, A3 and so on, nth term. Is type ki hoti koi bhi AP. Ab yahan par students, कॉमन डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस इज डिनोटेड बाय डी एंड डी इज द डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव टर्म्स A2 माइनस A1 एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू A3 माइनस A2. मीन्स कोई भी जो सक्सेसिव टर्म्स रहेंगे उनका डिफरेंस अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो कॉमन डिफरेंस होगा, और एक एपी की कोई भी दो टर्म्स से हम फाइंड आउट करेंगे कॉमन डिफरेंस तो वो इक्वल होगा. ठीक है, ये होता है स्टूडेंट्स एपी का बेसिक. नाउ सी योर फर्स्ट क्वेश्चन. इन दिस एपी फर्स्ट टर्म इज गिवन माइनस 2. So minus 2 is its first term and the common difference is minus 2. So students, अभी मैंने आपको क्या बताया, A1 and A2. A2 means second term. So common difference means A2 minus A1. अगर आप direct नहीं कर पाते तो आप इस method से करेंगे, ठीक है. And common difference is minus 2. A2 हमें find out करना है and A1 is minus 2. Okay? So A2 is equals to minus 2 and this will be प्लस 2, एंड अगेन जब हम इसको इस साइड में ट्रांसपोज करेंगे देन A2 विल बी माइनस 4. ओके, सो A2 विल बी माइनस 4. सिमिलरली A3 विल बी माइनस 6 एंड A4 विल बी माइनस 8 एंड सो ऑन. ओके स्टूडेंट्स, सो जो नेक्स्ट 4 टर्म्स होंगे वो कौन सी होंगी? माइनस 2, माइनस 4, माइनस 6 एंड माइनस 8. यहाँ पर बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं कि डिफरेंस निकालते टाइम A1 माइनस A2 कर देते हैं, मतलब फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म. तो वो आपको ध्यान रखना है, हमेशा क्या होगी जो लेटर टर्म होगी, लेटर मीन्स जो बाद वाली जो टर्म होगी उसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है प्रीसीडिंग टर्म. ओके, सो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन एंड बेसिक ऑफ एपी. अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं. अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे. विच टर्म ऑफ द एपी इज माइनस 81. अब स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के लिए आपको पता होना चाहिए कि हाउ टू फाइंड आउट द nth टर्म ऑफ एन एपी. सो an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वेयर ए इज फर्स्ट टर्म, n इज नंबर ऑफ टर्म्स इन दैट एपी एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस. सो दिस फॉर्मूला इज यूज फॉर फाइंडिंग आउट द nth टर्म ऑफ एन एपी. अब इस क्वेश्चन को देखिए आप, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज माइनस 81. मतलब हमें बताना है कि माइनस 81 इस एपी की कौन सी टर्म होगी. सो स्टूडेंट्स an इज गिवन, an मीन्स दिस टर्म, a इज गिवन, a इज 21 प्लस n. n हमें फाइंड आउट करना है कि जो माइनस 81 है ये कौन सी टर्म होगी. सो n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस अभी मैंने आपको क्या बताया, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. सो 18 माइनस 21 विल बी माइनस 3. नाउ सोल्व दिस इक्वेशन एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n फ्रॉम हियर. सो 21 एंड स्टूडेंट्स प्लस, अब माइनस 3 को जब हम यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे देन माइनस 3n एंड प्लस 3. नाउ ओपन दिस ब्रैकेट, 21 माइनस 3n एंड प्लस 3. सो स्टूडेंट्स माइनस 3n प्लस 24 इज इक्वल्स टू माइनस 81 एंड माइनस 3n इज इक्वल्स टू माइनस 81 माइनस 24. सो n की वैल्यू यहां से कितनी आएगी, देखो सम ऑफ 81 एंड 24 विल बी 105 डिवाइडेड बाय 3. सो 3 एंड 5. सो 35 इज द करेक्ट आंसर. सो ऑप्शन D इज करेक्ट. ओके स्टूडेंट्स, सो ये है इसका बेसिक सा कॉन्सेप्ट. और अगर आप इस बेसिक से कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पा रहे एक बार में तो मैं आपको यही कहूंगा कि इस क्वेश्चन को आप दोबारा से देखें. ठीक है, फर्स्ट सेकंड में आपका बेस बनेगा, इसके बाद में हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करेंगे. अब देखिए थर्ड जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं. ठीक है, देखो इफ द सेकेंड टर्म ऑफ एन एपी इज 13. सेकेंड टर्म मीन्स A2 ऑफ एन एपी इज 13 and its fifth term is 25. Fifth means A5 is equals to 25. Then its seventh term is, seventh term हमें find out करना है.
स्टूडेंट्स देखिए, जब भी आप एपी की कोई क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपको ये देखना होगा कि आपको फाइंड आउट क्या करना है और वो फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। सो इस केस में देखिए, ए सेवन हमें फाइंड आउट करना है और हमें पता है कि ए सेवन मीन्स ए प्लस सेवन माइनस वन इंटू डी, या फिर हम इसको डायरेक्ट कैसे लिखते हैं, ए सेवन इज इक्वल्स टू ए प्लस सिक्सटी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए जब भी हम ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। मीन्स ए टू अगर हम लिखना है तो ए टू का मतलब होगा ए प्लस डी, ए प्लस वन डी इज इक्वल्स टू थर्टीन। सिमिलरली अगर ए फाइव हमें लिखना है देन ए प्लस फोर डी इज इक्वल्स टू ट्वेंटी फाइव। सो ए सेवन अगर फाइंड आउट करना है देन इट विल बी ए प्लस सिक्स डी। सो हमें यहाँ पर ए की वैल्यू चाहिए और डी की वैल्यू चाहिए फॉर फाइंडिंग आउट इट्स सेवेंथ टर्म। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ से, जो ऊपर आपके पास गिवन है सेकेंड टर्म एंड फिफ्थ टर्म, यहाँ से हम इक्वेशन बनाएंगे दो और वहाँ से फिर फाइंड आउट करेंगे ए और डी की वैल्यू। देखिए कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि ए टू मीन्स ए प्लस डी इज इक्वल टू थर्टीन, ओके, एंड फिफ्थ टर्म मीन्स ए प्लस फोर डी इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव। नाउ सब्ट्रैक्ट बोथ द इक्वेशंस, ए से कैंसिल आउट हो गए एंड माइनस थ्री डी इज इक्वल टू माइनस ट्वेल्व। सो डी की वैल्यू यहाँ से सिंपली आ जाएगी स्टूडेंट्स आपकी फोर, और d की वैल्यू आप रखिए इस इक्वेशन में फर्स्ट में, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 9। अब हमें a और d की वैल्यू ही चाहिए सेवेंथ टर्म फाइंड आउट करने के लिए। नाउ पुट दीज वैल्यूज ऑफ a एंड d इन दिस इक्वेशन, देन वी विल गेट a मीन्स 9 प्लस 6 इनटू d मीन्स 4। सो 9 प्लस 24 मीन्स 33 विल बी योर आंसर, ऑप्शन बी। सो स्टूडेंट्स, यही जो क्वेश्चंस हैं ये इसके बेस है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप इस एपी के कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर आप इन क्वेश्चंस को समझ नहीं पाए तो दोबारा से रिवाइंड करके ये क्वेश्चंस देखो। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी हुज ए एन इज इक्वल्स टू माइनस थ्री एन प्लस सेवन। ए एन मीन्स एंथ टर्म, ओके। सो अगर एंथ टर्म ये है तो हमें उसका कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। कॉमन डिफरेंस मैंने अभी आपको क्या बताया, d इज इक्वल टू ए टू माइनस ए वन, या फिर कोई भी दो सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन देखिए, a n अगर ये है तो यहां पर हमने n रखा है माइनस थ्री एन प्लस सेवन। सो अगर हम a1 और a2 फाइंड आउट करें यहां से, तो देखिए a1 क्या होगा, मीन्स वी हैव टू रिप्लेस n बाई वन। सो माइनस थ्री इंटू वन प्लस सेवन, माइनस थ्री प्लस सेवन विल बी प्लस फोर। सिमिलरली a2 जब फाइंड आउट करेंगे देन माइनस थ्री इंटू टू प्लस सेवन, सो ये होगा प्लस वन। अब हम देखिए कॉमन डिफरेंस इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं ए टू माइनस ए वन से। ए टू माइनस सेवन मीन्स वन माइनस फोर, सो कॉमन डिफरेंस विल बी माइनस थ्री, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये था हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्वेश्चन नंबर फोर का। मूविंग टू द फिफ्थ क्वेश्चन, द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एन ए पी 5, 9, 13, 185 is. So, ये भी देखिए सेम कॉन्सेप्ट रहेगा आपका। कौन सा कॉन्सेप्ट रहेगा, जो हमने सेकंड क्वेश्चन फाइंड आउट किया था कि माइनस 81 कौन सी टर्म है। इस केस में हम क्या करेंगे कि माइनस 81 की जगह 185 को कंसिडर करेंगे, ओके। सो ए एन हमारे पास यहाँ पर गिवन है 185, ए गिवन है 5, एंड कॉमन डिफरेंस मीन्स 9 माइनस 5 इज 4। सो अब हमें फाइंड आउट करना नंबर ऑफ टर्म्स मीन्स एन। सो स्टूडेंट, सिंपली हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा फॉर्मूला, ये वाला, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सो ए एन इज 185 इज इक्वल टू ए, ए इज 5, देन प्लस एन हमें फाइंड आउट करना है एंड डी इज 4। इस इक्वेशन को हम सोल्व कर लेंगे, 185 माइनस 5 कितना होगा 180, देन प्लस 180 इज इक्वल्स टू 4n माइनस 4। अब 4 को इसे ट्रांसपोज करेंगे देन इट विल बी 184 इज इक्वल्स टू 4n। सो n की वैल्यू यहाँ से कितने आएंगे स्टूडेंट्स, 184 बाई 4, 4 फोर्स आर 16, रिमाइंडर 2, देन 4 सिक्स आर 24। सो 46 टर्म्स होंगी इस एपी में, कौन सी एपी में, जिसके फर्स्ट टर्म है 5 एंड लास्ट टर्म है 185। इसके साथ स्टूडेंट्स आपको एक चीज और बता दूं कि लास्ट टर्म को हम एल भी कहते हैं, एल, ठीक है, लास्ट टर्म इज डिनोटेड बाय एल ऑल्सो, और ए एन से भी हम इसको डिनोट करते हैं। सो ए एन और एल में आप कंफ्यूज मत होना, दोनों लास्ट टर्म के लिए यूज होते हैं, ठीक है ना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
देखिए द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपीज, सो फोर्थ टर्म हमें लास्ट से फाइंड आउट करना है। सो स्टूडेंट्स, कोई भी एपी के जब आपको टर्म फाइंड आउट करनी होती है, तो उस केस में आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के आपके दो मेथड रहेंगे, तो दोनों ही मैं आपको बता देता हूँ। और इस पे मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है कि हाउ टू फाइंड आउट द टर्म्स फ्रॉम द एंड, सो वो आप देख सकते हो। देखिए, ये हमारे पास एपी है, अगर हम इसको रिवर्स करके लिखेंगे देन लास्ट टर्म क्या होगी, -11, -11, देन उसके बाद वाली टर्म क्या होगी, -8, देन -5 एंड सो ऑन, फर्स्ट टर्म आपकी होगी 49। सो स्टूडेंट्स देखिए, इस साइड में 3 डिक्रीज हो रहा है, 3 डिक्रीज होगा मीन्स यहाँ आएगा 46, यहाँ आएगा 43। अब आपके पास एपी बन चुकी है, अब आप यहाँ पर इसकी कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। सो फोर्थ टर्म हमें फाइंड आउट करनी है, सो फोर्थ टर्म मीन्स A4 इज इक्वल्स टू A+3D, एंड ए इन दिस केस इज 49, सो 49 + 3 इंटू डी, डी मीन्स 46 - 49, सो -3, सो 49 - 9 मीन्स 40 विल बी आंसर। सो 40 होगी फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड, ठीक है। इस साइड से अगर हम देखेंगे फोर्थ टर्म, तो फोर्थ देखिए यहाँ पे आप देख भी सकते हैं 43 है, इसमें से जब 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे देन 40 होगी आपकी फोर्थ टर्म। सो ऐसे आपको फाइंड आउट करनी है इसकी कोई भी टर्म लास्ट से। ये तो हो आपका फर्स्ट मेथड। एक और मेथड देखिए आप, देखिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल्स टू a + n - 1 इंटू डी। तो अगर आपको लास्ट से फाइंड आउट करनी होगी कोई भी टर्म, तो आपको करना क्या होगा कि ये जो बीच का साइन है प्लस, इट विल बी नेगेटिव, और जो a रहेगा, ए देखिए लास्ट से अगर फाइंड आउट करें तो जो लास्ट टर्म रहेगी सीपी की वो रहेगी फर्स्ट टर्म। सो यहां से हम डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं A4, ध्यान से देखना, ए मीन्स 49 एंड माइनस, मैंने कहा ये यहां पर माइनस होगा, इंटू एन, एन मीन्स 4 - 1 मीन्स 3। अब देखिए इंटू डी, डी में कौन सी वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स, डी में हम वैल्यू लिखेंगे जो इस एपी का कॉमन डिफरेंस होगा, ठीक है, बिना रिवर्स किए। सो -8 इंटू -11, मतलब ये होगा +3, सो 49 - 9 मीन्स 40 विल बी आंसर, ठीक है। तो इस मेथड से आप कर सकते हो। वहां पर आपको क्या करना है, देखो ए आपका लास्ट में, बस ए की वैल्यू चेंज होती है, और जो बीच में साइन है ये चेंज होता है, ठीक है। बाकी जो डी रहेगा वो आप डायरेक्ट यहां से फाइंड आउट करके इसमें पुट कर सकते हो, ठीक है। सो ये कॉन्सेप्ट थे आपके दोनों इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। लास्ट से अगर कोई भी टर्म फाइंड आउट करनी, देन यू कैन यूज एनी ऑफ दीज मेथड्स। सो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। 7 देखो, द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द एपी 3, 7, 11, 15 टू बी टेकन सो दैट द सम इज 406। सो स्टूडेंट, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन सम ऑफ द एपी SN। सो SN गिवन आपके पास कितना है, 406। सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, SN इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a + n - 1 इंटू डी। स्टूडेंट्स अगर आप थोड़ा सा यहाँ ध्यान देंगे, तो इस फॉर्मूले में जो nth टर्म फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है वो हमने ऐड किया हुआ है, मीन्स लास्ट टर्म फाइंड आउट करने का फॉर्मूला ऐड किया हुआ है। सो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a + nth टर्म, या फिर मैंने अभी आपको क्या बताया कि लास्ट टर्म मीन्स nth टर्म को हम किससे डिनोट करते हैं, l से। सो ये भी फॉर्मूला होता है सम ऑफ n टर्म्स फाइंड आउट करने का, ठीक है। अगर आपके पास लास्ट टर्म ऑफ ap गिवन होगी देन यू विल यूज दिस फॉर्मूला, अदरवाइज अगर नंबर ऑफ टर्म्स और कॉमन डिफरेंस गिवन है देन वी विल यूज दिस मेथड। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे। नंबर ऑफ टर्म्स मतलब स्टूडेंट्स हमें क्या फाइंड आउट करना है, एन फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ टर्म्स मीन्स एन हमें फाइंड आउट करना है, और सम ऑफ एन टर्म्स इज ऑलरेडी गिवन विच इज 406, ए इज 3, ये है 3, एंड कॉमन डिफरेंस मीन्स 7 - 3 मीन्स 4। सारी वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, बिकॉज यहाँ पर लास्ट टर्म ना देखे, हमें ए और कॉमन डिफरेंस गिवन है, सो हम फर्स्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। सो 406 इज इक्वल्स टू एन हमें फाइंड आउट करना, सो n/2 इंटू 2a, 2a मीन्स 2 इंटू 3 प्लस n - 1 इंटू डी, डी इज 4। सो इसको हम सोल्व कर लेंगे स्टूडेंट्स, 2 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे देन 812 n, और 6 यहां पर बचेगा, और स्टूडेंट्स ये आएगा 4n - 4। सो 812 इज इक्वल्स टू एन एंड 2 + 4n। अब स्टूडेंट्स ये यहाँ पे आपके बनेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने से पहले हम यहाँ से लेंगे 2 कॉमन और कैंसिल आउट करेंगे 812 से, तो ये अगेन आपका रहेगा 406 इज इक्वल्स टू एन इंटू 1 + 2n। अब आप इसको सोल्व करेंगे,
टू एन स्क्वेयर प्लस एन माइनस 406 इज इक्वल टू 0, ये आपकी बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो स्टूडेंट्स, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं, आपको पता है कि मिडल टर्म को हम फैक्टराइज करेंगे ऐसे दो फैक्टर्स में जिसका मल्टीप्लाई हो इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल। सो इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा, 812। सो ऐसे हमें फैक्टर्स बनाने के, मल्टीप्लीकेशन हो 812 और सम अगर करें तो वो आएगा 1, ठीक है, इनका कोफिशियंट हो 1। देखो अगर हम 30 और 29 लेते हैं तो इसका डिफरेंस कितना है, डिफरेंस तो 1 है बट इनका मल्टीप्लीकेशन कितना होगा, 29 इंटू 3 87। सो इससे ज़्यादा हुआ तो इससे एक दो नंबर कम देखते हैं हम, 29 इंटू 28 देखो। सो इनका डिफरेंस आप देख सकते हो 1 है और इनका जब प्रोडक्ट करेंगे देन इट विल ऑल्सो भी इक्वल्स टू 812। सो 29 एंड 28 आर द करेक्ट फैक्टर्स। सो 2n² प्लस 29n एंड माइनस 28n माइनस 406 इज इक्वल्स टू 0। फर्स्ट टू टर्म्स हम लेंगे n कॉमन, सो 2n प्लस 29 एंड लास्ट टू टर्म्स से हम लेंगे स्टूडेंट्स 14 कॉमन, 2n माइनस सॉरी 2n प्लस 29। सो n की वैल्यू यहाँ से कौन कौन से आएंगे, 14 एंड माइनस 29 बाई 2। देखिए n यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी नेगेटिव की तो बात दूर की है, ये फ्रैक्शन में भी नहीं होगा, नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा किस में होगा, होल नंबर में, ठीक है, नेचुरल नंबर में, ये ना फ्रैक्शन में होगा और ना ही नेगेटिव होगा। सो इसको हम करेंगे एलिमिनेट, मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स कैन नॉट बी नेगेटिव और कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन। सो नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस एपी विल बी 14। सो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका, सेवेंथ का ए ऑप्शन इज करेक्ट। सो देखिए अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं सारे अलग अलग टाइप के हैं और आई होप स्टूडेंट्स का आपका कॉन्सेप्ट यहाँ से कुछ बना होगा, और जो आगे वाले क्वेश्चंस हैं वो भी सारे क्वेश्चंस डिफरेंट टाइप्स के हैं। सो एट्थ क्वेश्चन देखते हैं अब। द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन ए पी इज 3n² प्लस 6n द कॉमन डिफरेंस ऑफ द ए पी। तो कॉमन डिफरेंस सबसे पहले क्या होता है स्टूडेंट्स, कॉमन डिफरेंस मीन्स ए टू माइनस ए वन, मीन्स अगर हमें फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म मिल जाए देन वी कैन इजिली फाइंड आउट कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस ए पी। सो स्टूडेंट्स सम ऑफ एन टर्म्स मीन्स वॉट इज गिवन, एस एन, एस एन इज गिवन विच इज इक्वल टू 3n² प्लस 6n। अब देखो सम ऑफ एन टर्म्स का मतलब क्या होगा कि ये फर्स्ट टर्म का सम होता है, सेकेंड टर्म का होता है एंड अप टू nth टर्म का ये सम है एस एन, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर लिखूं कि सम ऑफ वन टर्म, वन टर्म का मतलब होगा कि अकेली फर्स्ट टर्म होगी है, सो एस वन मीन्स ए वन, सो ए वन हम यहां से फाइंड आउट करेंगे रिप्लेसिंग एन बाई वन, सो 3 प्लस 6 मीन्स 9, फर्स्ट टर्म ऑफ दिस ए पी इज 9। अब स्टूडेंट जैसे हमने एस वन फाइंड आउट किया, सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट एस टू। एस टू का मतलब क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। सो यहां पर हम एन को रिप्लेस किससे करेंगे, 2 से, सो 3 इंटू 2² मीन्स 4 एंड प्लस 6 इंटू 2 12, सो 12 प्लस 12 कितना होगा, 24। अब बट हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए स्टूडेंट्स ए टू। सो ए टू इज द डिफरेंस बिटवीन एस टू माइनस एस वन। देखिए दोनों टर्म का सम ए वन प्लस ए टू माइनस ए वन विल गिव अस ए टू मीन्स सेकेंड टर्म। सो यहाँ से एस टू मीन्स 24 माइनस एस वन मीन्स 9, तो ये आपका आ जाएगा 15। सो अब स्टूडेंट्स हमारे पास देखिए एस वन या ए वन हमारे पास आया था 9 और ए टू कितना आया है 15, तो नाउ वी कैन ईजिली फाइंड आउट द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस विल बी 15 माइनस 9 विच इज इक्वल्स टू 6। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। एट्थ क्वेश्चन इज कंप्लीटेड, नाइन्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फिफ्थ टर्म ऑफ एन ए पी इज माइनस 3 एंड इट्स कॉमन डिफरेंस इज माइनस 4, द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 10 टर्म्स इज। सो हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है एस टेन, और एस टेन फाइंड आउट करने के लिए हमें किस किस चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, देखो एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सो इस केस में हमें 10 टर्म्स का फाइंड आउट करना, मीन्स एन इज गिवन एंड स्टूडेंट्स ए एन डी, सो कॉमन डिफरेंस तो गिवन है माइनस 4 बट हमारे पास फर्स्ट टर्म गिवन नहीं है, सो फिफ्थ टर्म हमारे पास गिवन है मीन्स ए 5 इज इक्वल्स टू माइनस 3 एंड कॉमन डिफरेंस इज माइनस 4, सो ए प्लस 4d, ए 5 मीन्स ए प्लस 4d इज इक्वल्स टू माइनस 4। अब हम यहाँ पर डी की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, डी की वैल्यू माइनस 4 है, सो स्टूडेंट्स ए प्लस 4 इंटू माइनस 4 इज इक्वल्स टू माइनस 3, सो ए माइनस 16 इज इक्वल्स टू माइनस 3, सो ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी 13। अब देखिए हमारे पास ए की वैल्यू भी आ चुकी है 13 एंड कॉमन डिफरेंस माइनस 4,
और n की वैल्यू हमारे पास गिवेन है, मीन्स जितनी टर्म्स का हमें सम फाइंड आउट करना है वो होगा n। सो ये सारी वैल्यूज हम पुट करेंगे हमारे फॉर्मूले में। a की वैल्यू आई हमारी 13, आप पुट करिए n बाई टू मीन्स 10 बाई टू, इट विल बी 5। 2a मीन्स 2 इंटू 13 सो 26, प्लस n माइनस 1 सो 10 माइनस 1 9 इंटू डी, डी इज माइनस 4। नाउ 5 इंटू 26 माइनस 36 सो 5 इंटू माइनस 10 एंड आंसर विल बी माइनस 50। सो सम होगा स्टूडेंट जो फर्स्ट 10 टर्म्स का वो कितना होगा, माइनस 50। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब कुछ बच्चे ये कंफ्यूजन में होंगे कि क्या सम माइनस में हो सकता है। सो ऑब्वियसली हो सकता है बिकॉज यहाँ पर पॉजिटिव टर्म्स से ज़्यादा नेगेटिव टर्म्स है, तो सम टर्म्स के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, ये नहीं कि आपका पॉजिटिव ही रहेगा या फिर नेगेटिव ही रहेगा। तो एपी के टर्म्स अगर नेगेटिव ज़्यादा होंगे तो ऑब्वियसली उसका सम भी नेगेटिव में ही होगा। सो ये 9th क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। नाउ 10th क्वेश्चन देखते हैं। द सम ऑफ थ्री टर्म्स ऑफ एन एपी इज 72, देन इट्स मिडल टर्म। सो स्टूडेंट जब भी आपके पास थ्री टर्म्स अगर कहा जाए कोई एपी की, तो आपको किस टाइप के टर्म्स माननी है। देखिए हम ऐसी टर्म्स मानेंगे जिसमें कॉमन डिफरेंस इक्वल हो। सो ए माइनस डी, देन ए एंड देन ए प्लस डी। सो ये हुई थ्री टर्म्स। अब इन तीनों का सम किसके इक्वल आ रहा है, 72 के इक्वल। सो ए माइनस डी प्लस ए प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू 72, एंड डी से डी होगा कैंसिल आउट। सो 3a इज इक्वल टू 72। सो ए की वैल्यू कितनी आएगी, 24। और स्टूडेंट्स हमें देखो क्या फाइंड आउट करना था, देन इट्स मिडल टर्म। मिडल टर्म मीन्स ए, तो ए की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट करी है, तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। 10th क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। 11th पे चलते हैं। 11th, इफ दीज नंबर्स आर इन ए पी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब अभी मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था स्टूडेंट जब हमने ये वीडियो स्टार्ट करी थी कि एपी में अगर ये नंबर्स हैं देन कोई भी दो नंबर्स का अगर डिफरेंस करेंगे, सक्सेसिव नंबर्स का कॉमन डिफरेंस होगा वो, और कॉमन डिफरेंस हमेशा इक्वल होता है। मीन्स ए टू माइनस ए वन करेंगे एंड देन वी कैन इक्वेट दैट कॉमन डिफरेंस टू ए थ्री माइनस ए टू। सो इस ए पी की मान लीजिए ये टर्म ए वन है, ये ए टू, ये ए थ्री। सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए टू माइनस ए वन इज इक्वल्स टू ए थ्री माइनस ए टू। अब आप बस यहाँ पर जो टर्म्स है उसको रिप्लेस कर दीजिए। ए टू इज वन बाई एक्स प्लस थ्री माइनस ए वन इज वन बाई एक्स प्लस टू, एंड थर्ड टर्म कितनी है, वन बाई एक्स प्लस फाइव माइनस ए टू मीन्स वन बाई एक्स प्लस थ्री। अब आप इसको एलसीएम लेके सोल्व करेंगे। सो यहाँ पर जब स्टूडेंट्स इसका हम एलसीएम लेंगे तो ये आएगा एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री, एंड न्यूमरेटर में आपका रहेगा एक्स प्लस टू माइनस माइनस एक्स एंड माइनस थ्री। ठीक है, और इस साइड में स्टूडेंट्स कितना होगा आपका, इज इक्वल्स टू एक्स प्लस थ्री एंड एक्स प्लस फाइव। यहाँ पर आपका आ जाएगा एक्स प्लस थ्री माइनस एक्स माइनस फाइव। सो एक्स प्लस थ्री से देखिए यहाँ से ये कैंसिल आउट होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर, एक्स से एक्स ये कैंसिल आउट होगा और एक्स से ये एक्स कैंसिल आउट होगा। अब जो रिमेनिंग टर्म्स उसको हम यहाँ लिखेंगे, टू माइनस थ्री मीन्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू इज इक्वल्स टू थ्री माइनस फाइव माइनस टू डिवाइडेड बाई एक्स प्लस फाइव। माइनस माइनस कैंसिल आउट होगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे देन एक्स प्लस फाइव इज इक्वल्स टू टू एक्स प्लस फोर। सारी टर्म्स को एक साइड में ले आइए। सो एक्स की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी वन। ठीक है स्टूडेंट, सो एक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 12th, द नंबर ऑफ टू डिजिट नंबर्स डिविजुअल बाय थ्री। स्टूडेंट्स इस टाइप के क्वेश्चंस आप बिना एपी का यूज़ करे भी डायरेक्ट कर सकते हैं, बट हम यहाँ पर एपी का यूज़ करके भी आपको बताएंगे और जो शॉर्ट ट्रिक है उससे भी आपको बताऊंगा। सो नंबर ऑफ टू डिजिट नंबर्स डिविजुअल बाय थ्री। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप देखिए कि टू डिजिट नंबर्स होते कितने हैं। टू डिजिट नंबर्स स्टार्ट्स फ्रॉम 10 एंड अप टू 99। अब आपको क्या करना है कि जो 99 है इसको आप 3 से डिवाइड कर दीजिए डायरेक्ट। सो इसको जब 3 से डिवाइड करेंगे देन 33 आएंगे आपके वो नंबर्स। अब 33 में स्टूडेंट्स ये नंबर भी ऐड हो गए हैं, 3, 6 एंड 9, जो कि सिंगल डिजिट नंबर हैं। ये नंबर्स भी 33 नंबर्स में ऐड हुए हैं। देखो 33 का मतलब क्या है, 33 का मतलब है कि 99 तक 3 से जो डिविजिबल नंबर हैं वो 33। बट हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है टू डिजिट नंबर्स। टू डिजिट नंबर्स का मतलब है कि
10 से ऊपर वाले नंबर्स, सो 369 हम इसमें से करेंगे माइनस, मींस 3 नंबर्स इसमें से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो 33 माइनस 3 मतलब 30 नंबर्स होंगे वो नंबर्स जो टू डिजिट नंबर्स हैं विच आर डिविजिबल बाय 3. सो फर्स्ट मेथड हुआ ये. सेकंड मेथड हम करेंगे एपी से. सो सबसे पहले तो हमें एपी बनानी होगी. और एपी कैसे बनाएंगे स्टूडेंट्स, देखो नंबर ऑफ टू डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 3. सो विच नंबर इज द स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3, ये होगा 12. नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा 15, नेक्स्ट नंबर 18 एंड अप टू, ये कहाँ तक होगा स्टूडेंट्स, अप टू 99 तक. सो अगर आप ध्यान देंगे देन दिस सीरीज इज एन एपी. एपी क्यों होगी, बिकॉज इनका जो कॉमन डिफरेंस है दिस इज इक्वल. ओके सो 3 होगा इसके बीच का कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म आपकी 12 होगी, लास्ट टर्म आपकी 99. तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे. देखिए ए एन मीन्स लास्ट टर्म, सो 99 है, ए है 12 एंड कॉमन डिफरेंस इज 3. अब हम फॉर्मूले में पुट करेंगे ये वैल्यूज, तो ये आएगा 99 इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. इसको आप सोल्व कर लेंगे, यहाँ पर ये आ जाएगा 87. सो 87 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 3. सो एन माइनस 1 इज इक्वल्स टू 29 एंड एन की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 30. ठीक है, तो जो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी वहाँ से क्या आंसर आया था हमारा 30. और एपी वाली मेथड जब हम सोल्व कर रहे हैं तो आपका आंसर कितना आ रहा है 30. ठीक है, तो आप इनको इन दो मेथड से कर सकते हो. बट स्टूडेंट्स आपके अगर एग्जाम में आए 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम में तो आपको एपी वाली मेथड से ही सोल्व करना है. इससे क्या है कि आपकी गलती होने के चांस भी कम होंगे. ठीक है, और जो पहले वाला मेथड है वहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आना चाहिए, तभी आप उसको यूज़ कर सकते हो. सो अब 13th क्वेश्चन पे चलते हैं. द फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस ए एन इज इक्वल्स टू 2n प्लस 3r. सो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर हमें ए वन ए टू ए थ्री एंड ए फोर फाइंड आउट करना है. सो ए वन मीन्स जस्ट रिप्लेस एन बाई वन, ए टू मीन्स रिप्लेस एन बाई टू, ए थ्री मीन्स रिप्लेस एन बाई थ्री एंड ए फोर मीन्स रिप्लेस एन बाई फोर. सो टू एन प्लस थ्री मीन्स टू इंटू वन प्लस थ्री फाइव, देन ए टू मीन्स टू इंटू टू प्लस थ्री, सो फोर प्लस थ्री सेवन एंड ए थ्री मीन्स टू इंटू थ्री प्लस थ्री सिक्स प्लस थ्री नाइन. अब देख सकते हैं आप डिफरेंस टू का है तो नेक्स्ट क्या होगा 11. सो 5, 7, 9, 11 आर द नेक्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, उसमें फर्स्ट फोर टर्म्स. ओके सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. मूविंग टू द 14th क्वेश्चन, इफ द फर्स्ट सेकंड एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर ए बी एंड 2a रिस्पेक्टिवली इट्स सम इज. अब देखिए हमें यहाँ पर क्या क्या गिवन है वो लिख लेते हैं और उसके बाद देखेंगे कि हमें क्या फाइंड आउट करना है. हमें यहाँ पर फर्स्ट टर्म गिवन है, फर्स्ट टर्म इज ए वन इज ए एंड सेकेंड टर्म ए टू इज बी, लास्ट टर्म हम यहाँ पर एल से डिनोट कर लेते हैं, एल इज 2a. अब हमें फाइंड आउट करना है एस एन, सम ऑफ एन टर्म्स. ठीक है, कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो फॉर्मूला क्या होता है सम ऑफ एन टर्म्स फाइंड आउट करने का, एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. सो हमें यहाँ पर चाहिए n की वैल्यू, a की वैल्यू एंड d की वैल्यू. सो a 1 मीन्स a की वैल्यू गिवन है, d मीन्स कॉमन डिफरेंस हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं. बट स्टूडेंट्स आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है, नंबर ऑफ टर्म्स हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ से पहले. ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स पहले फाइंड आउट करके उसके बाद वी विल फाइंड आउट द सम ऑफ n टर्म्स. सो ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. ए एन मीन्स लास्ट टर्म ऑफ दिस ए पी इज 2a, दिस इज गिवन. सो 2a इज इक्वल्स टू ए मीन्स फर्स्ट टर्म इज a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. कॉमन डिफरेंस मीन्स a2 माइनस a1, सो b माइनस a. ओके नाउ सोल्व दिस इक्वेशन फॉर n. सो 2a माइनस a इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू b माइनस a. सो n माइनस 1 इज इक्वल्स टू a बाय b माइनस a. सो वैल्यू ऑफ n फ्रॉम हियर विल बी a बाय b माइनस a प्लस 1. नाउ सोल्व दिस इक्वेशन बाय टेकिंग एलसीएम, सो b माइनस a एंड a प्लस b माइनस a. सो वैल्यू ऑफ n फ्रॉम हियर विल बी b बाय b माइनस a. ओके सो ये वैल्यू आई हमारी n की,
और हमारे पास ऑलरेडी वैल्यूज किसकी गिवन है, ए और डी की और लास्ट टर्म। सो अब हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेंगे। देखिए एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू, एन बाई टू मीन्स बी बाय बी माइनस ए इंटू टू एन बाई टू इंटू ए प्लस एल। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने एक सेकेंड अल्टरनेट फॉर्मूला आपको बताया था यहाँ पर, एन बाई टू इंटू ए प्लस एल। सो इन दिस क्वेश्चन फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म आर गिवन, सो ए प्लस एल, एल मीन्स टू ए, इसको आप सोल्व कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा सम ऑफ एन टर्म्स। सो सम ऑफ एन टर्म्स विल बी थ्री ए बी डिवाइडेड बाई टू इंटू बी माइनस ए, ये होगा आपका आंसर। आपका करेक्ट होगा ऑप्शन ए, 14th का होगा ऑप्शन ए करेक्ट। सो स्टूडेंट्स इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं, सो ये भी आपके क्लियर होने चाहिए। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन ए पी सम ऑफ पी टर्म्स इज इक्वल टू क्यू एंड सम ऑफ क्यू टर्म्स इज इक्वल टू पी एंड एस आर डिनोट्स द सम ऑफ फर्स्ट आर टर्म्स देन सम ऑफ पी प्लस क्यू इज इक्वल्स टू। सो स्टूडेंट्स देखिए सम ऑफ पी प्लस क्यू टर्म्स का मतलब होगा कि सम ऑफ पी टर्म्स प्लस सम ऑफ क्यू टर्म्स, और ये दोनों गिवन है यहाँ पर, कितना होगा ये क्यू प्लस पी। सो यही इसका हो जाएगा आंसर, पी प्लस क्यू मीन्स ऑप्शन डी। मूविंग टू द 16th क्वेश्चन, इफ फोर नंबर्स इन एपी आर सच दैट देयर सम इज 50 एंड द ग्रेटेस्ट नंबर इज फोर टाइम्स द लीस्ट देन द नंबर्स आर। सो स्टूडेंट्स इस केस में हमारे पास फोर नंबर्स हैं एंड विच आर इन ए पी। सो थ्री नंबर्स जब एज्यूम करने होते तो मैंने आपको क्या बताया था कि ए माइनस डी ए एंड ए प्लस डी, बट फोर नंबर्स अगर एज्यूम करने होंगे तो हम उस मेथड से एज्यूम नहीं कर पाएंगे। सो हम क्या करेंगे कि ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी एंड ए प्लस थ्री डी, ये होंगे आपके फोर नंबर्स। अगर आपको फाइव नंबर्स करने होंगे तो फाइव नंबर्स आप कर सकते हो ऐसे, ए माइनस टू डी ए माइनस डी देन ए प्लस डी देन ए प्लस टू डी, बट फोर नंबर्स हम इस तरीके से करेंगे। अब क्या कहो, देखो सम ऑफ दीज फोर नंबर्स इज इक्वल्स टू 50। अब इनका सम अगर 50 है तो यहाँ से एक इक्वेशन हमारे पास बनेगी स्टूडेंट्स, इनका हम सम करेंगे। देखिए तो फोर ए प्लस डी टू डी एंड थ्री डी इट विल बी 60 इज इक्वल्स टू 50। सो 2a प्लस 3d इज इक्वल टू 25 इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन आपकी बनेगी यहाँ से, द ग्रेटेस्ट नंबर इज 4 टाइम्स द लीस्ट। सो ग्रेटेस्ट नंबर मीन्स a प्लस 3d इज इक्वल टू 4a। सो यहाँ से आपका स्टूडेंट्स 3a इज इक्वल टू 3d। ओके, यहाँ तो आपके डायरेक्ट a की वैल्यू आ गई, a इज इक्वल टू d। सो ये जो इक्वेशन आपकी सेकेंड आई है, यूज दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर वन, मीन्स डी को हम रिप्लेस कर देंगे ए से या फिर ए को हम रिप्लेस कर सकते हैं डी से। सो टू ए प्लस थ्री ए इज इक्वल्स टू 5a, फ्रॉम हियर ए विल बी 5। सो ए की वैल्यू 5 होगी एंड डी की वैल्यू भी 5 होगी। अब स्टूडेंट्स हमने ए और डी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, सो वी कैन इजीली फाइंड आउट फोर टर्म्स यहाँ से जो हमने एज्यूम किया था। सो फर्स्ट टर्म क्या होगी, देखो फर्स्ट टर्म होगी 5 देन 10 15 एंड 20। सो ये होंगी हमारी फोर टर्म्स, ऑप्शन सी इज करेक्ट। सो ये भी क्वेश्चन काफ़ी ठीक था स्टूडेंट्स आपका, और सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ही यूनिक हैं। जो अब तक हमने क्वेश्चंस किए हैं सारे अलग अलग टाइप के हैं, है ना। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको ध्यान रखने हैं कि इनको हम कैसे सोल्व करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन मीन 17, इन एन ए पी एन माइनस ए एन माइनस वन इज इक्वल्स टू। स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है। कॉमन डिफरेंस ऑफ एन ए पी मीन्स ए टू माइनस ए वन, ठीक है, वेयर ए वन ए टू ए थ्री इज एन ए पी। सो स्टूडेंट्स दिस टर्म माइनस इट्स प्रीसीडिंग टर्म्स ए टू माइनस ए वन इज द कॉमन डिफरेंस। अब आइए हमारे क्वेश्चन पे, ए वन मीन्स लास्ट टर्म, ठीक है, ये होगी लास्ट टर्म, एंड ए एन माइनस वन मीन्स सेकेंड लास्ट टर्म, ठीक है सेकेंड लास्ट टर्म। सो लास्ट टर्म होगी राइट साइड में और सेकेंड लास्ट होगी इसके यहाँ पर। सो दिस टर्म माइनस दिस टर्म विल गिव अस द कॉमन डिफरेंस, ये सेम वैसे ही है स्टूडेंट जैसे हम ए टू माइनस ए वन फाइंड आउट करते हैं फॉर फाइंडिंग आउट कॉमन डिफरेंस। सो ए एन माइनस वन विल गिव अस द कॉमन डिफरेंस, ठीक है। सो ये ए पार्ट इसका आंसर होगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका कॉन्सेप्ट है और ईजी भी है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि डिफरेंस ऑफ लास्ट टर्म एंड सेकेंड लास्ट टर्म विल गिव अस द कॉमन डिफरेंस। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे,
18th क्वेश्चन देखिए, द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। सो जो मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई है उससे मैं आपको अभी यहाँ पे बता देता हूँ, और जो ट्रेडिशनल वे है मीन्स एपी के यूज़ करके हम कैसे सोल्व करेंगे वो आप करेंगे खुद से। देखिए 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250, तो सबसे पहले आप 250 को डिवाइड करिए 4 से, कितने नंबर्स आएंगे, 4 6 आर 24 एंड 1 रहेगा आपका यहाँ पर रिमाइंडर, सो 4 2s आर 8, सो 62 नंबर्स हैं विच आर डिविजिबल बाय 4 अप टू 250, ठीक है। बट हमें स्टूडेंट्स बिटवीन 10 एंड 250 वाले नंबर बताने हैं, तो 10 से जो नीचे ऐसे नंबर जो 4 से डिविजिबल है वो हमें इसमें से सब्ट्रैक्ट करने होंगे। सो ओनली 4 एंड 8, दीज टू नंबर्स आर बिलो 10, सो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 62, इट विल बी 60। सो 60 नंबर्स आर द मल्टीपल्स ऑफ 4 विच आर बिटवीन 10 एंड 250, सो 60 होगा इसका आंसर, ओके। अब अगर स्टूडेंट्स आप इसको एपी से सोल्व करना चाहेंगे तो एपी इसकी क्या बनेगी, स्मॉलेस्ट नंबर देखिए बिटवीन 10 एंड 250 विच इज डिविजिबल बाय 4, इट इज 12, नेक्स्ट 16, 20 एंड अप टू 248, ठीक है। तो ये होगी लास्ट टर्म, ये फर्स्ट और कॉमन डिफरेंस आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, देन यू विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एन नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। सो ये भी आपका आंसर कितना आएगा, 60। सो ये करेंगे आप खुद से, ठीक है, और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो देन यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 19th, द 9th टर्म ऑफ द एपी -15 -11 -7 एंड अप टू 49 इज, सो वेरी इजी क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन हमने ऊपर भी किए हैं। 9th टर्म मीन्स ए 9 इज इक्वल्स टू ए प्लस 8d, ठीक है। 9th टर्म अगर फाइंड आउट करनी है तो इसका मतलब है कि हमें ए प्लस 8d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू हमें चाहिए होगी, और फर्स्ट टर्म इज -15 एंड कॉमन डिफरेंस मीन्स -11 -15, सो +4 विल बी कॉमन डिफरेंस, सो ए इज -15 प्लस 8 इंटू कॉमन डिफरेंस इज 4, सो -15 प्लस 32 17, सो 9th टर्म इज 17, ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट। सो ऐसे करना था आपका ये क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल था ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 20th क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ए पी, सो ए पी अगर कोई भी सीरीज को आपको देखना है कि है या नहीं, तो हमें क्या देखना होगा कि उनके जो सक्सेसिव टर्म्स हैं उनका डिफरेंस हमें देखना होगा। सो फर्स्ट केस में देखिए 2, 6, तो ये तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इसका कॉमन डिफरेंस इक्वल है, इट मीन्स ये ए पी नहीं होगी। यहाँ पर देखिए इसके अगर सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस देखेंगे स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट टू टर्म्स का होगा √6 -√3 विच इज नॉट इक्वल्स टू √9 -√6, ओके। अब देखो कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन क्या होगा कि √6 -√3 कितना होगा √3, देन √9 -√6 कितना होगा √3, तो वो होगा गलत, ठीक है। इसकी वैल्यू स्टूडेंट्स √3 के इक्वल नहीं होगी, और ना ही इसकी वैल्यू √3 के इक्वल होगी, सो ये भी एपी नहीं होगी, ओके। बी पार्ट, 1 देन 5 स्क्वायर मीन्स 25, 7 स्क्वायर मीन्स 49 एंड 73 एंड सो ऑन, तो इसके बीच का डिफरेंस देखिए 24, यहाँ भी स्टूडेंट्स 24 और यहाँ भी 24, यस। सो जो बी पार्ट में सीरीज गिवन है दिस इज एन एपी, और इसको जब आप सोल्व करके देखेंगे तो ये भी एपी नहीं होगी, सो इसका करेक्ट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन बी। इस टाइप के क्वेश्चंस भी स्टूडेंट्स 1 मार्क के में बहुत बार पूछे जा चुके हैं, सो आपको पता होना चाहिए, और ये बहुत ही बेसिक से कॉन्सेप्ट आपके एपी के हैं। अब हम चलते हैं 21st क्वेश्चन, ए 7 बी 23 सी आर इन ए पी देन द वैल्यू ऑफ सी इज, स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लग सकता है स्टार्टिंग में जब आप देखेंगे तो, बट बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर क्या गिवन है, ए फर्स्ट टर्म, 7 सेकेंड टर्म, बी थर्ड टर्म एंड 23 फोर्थ टर्म, सी इज 5th टर्म। तो हमें देखो सी की वैल्यू फाइंड आउट करना मीन्स ए 5 हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब ए 5 फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, ए प्लस 4d, और ए प्लस 4d के लिए फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, बट फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हम यहाँ से फाइंड आउट नहीं कर सकते बिकॉज ए बी एंड सी आर वेरिएबल्स। सो हम यहाँ पर जो नंबर्स गिवन है 7 और 23 इसका यूज करके ए और डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कैसे, देखो सेकेंड टर्म इज 7 मीन्स ए 2 इज 7 एंड 23 इज फोर्थ टर्म मीन्स ए 4 इज इक्वल टू 23। सो अब हम फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट्स ए और डी की वैल्यू, आप समझ गए होंगे, ए टू मीन्स ए प्लस डी इज इक्वल टू 7, ए 4 मीन्स ए प्लस 3d इज इक्वल टू 23, सब्ट्रैक्ट बोथ द इक्वेशंस, सो ये यहाँ से आ जाएगा 2d माइनस 2d
इज इक्वल्स टू माइनस 16, सो डी की वैल्यू आएगी 8, और डी की वैल्यू अगर 8 आई तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी होगी, माइनस 1। अब स्टूडेंट्स आप फिफ्थ टर्म इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, फिफ्थ टर्म मीन्स सी इज इक्वल्स टू ए, ए इज माइनस 1 प्लस 4 इंटू डी 8, सो 32, सो 32 माइनस 1 31, सो वैल्यू ऑफ सी विल बी 31, ऑप्शन डी इज करेक्ट। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चंस अच्छे भी लग रहे होंगे और समझ में भी आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 22 देखिए, 30th टर्म ऑफ एन ए पी इज, सो यहाँ पर हमें ए 30 फाइंड आउट करना है, ए 30 मीन्स ए प्लस 29 डी, सो ए और डी की वैल्यू हम यहाँ से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ए इज 10 एंड कॉमन डिफरेंस इज 7 माइनस 10 माइनस 3, सो 10 माइनस 29 इंटू 3, सो 10 माइनस 87, सो माइनस 77 विल बी आंसर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं जल्दी इसलिए बता रहा हूँ कुछ क्वेश्चंस ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो, और इस टाइप के क्वेश्चंस हम ऊपर भी कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23rd, इफ एस वन इज द सम ऑफ एन ए पी ऑफ एन ऑड नंबर्स, ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर ये ऑफ नहीं आएगा, एंड एस टू इज द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ द सीरीज एट ऑड प्लेसेज देन एस वन बाई एस टू, सो ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है आपका, कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। देखो S1 कौन सी सीरीज का सम है, पहले तो हम ये AP देखते हैं, ये AP आपकी है n ओड नंबर्स, अब ओड नंबर्स कौन कौन से होते हैं, 1, 3, 5, 7, 9 एंड अप टू n नंबर्स, सो यहाँ पर अगर हम इनका सम फाइंड आउट करते हैं तो ये होगा S1 के इक्वल, सो इसको स्टूडेंट्स हम मानते हैं फर्स्ट AP, AP1। अब देखिए S2 इज द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ द सीरीज एट ओड प्लेसेस देन S1 बाई S2, सो अब स्टूडेंट्स S2 क्या है, हमें एक सेकेंड AP बनानी होगी, एंड सेकेंड AP में कौन कौन से टर्म्स होंगे, देखो ये जो सीरीज यहाँ पर गिवन है इसमें ओड प्लेसेज के जो नंबर है, सो 1, 5, 9, 13, और इन नंबर्स की जो सीरीज बनेगी 1, 5, 9, 13 एंड सो ऑन, इन नंबर्स की जो सीरीज बनेगी उसका सम है S2, तो अब हमें बताना है कि S1 बाई S2 की वैल्यू क्या होगी, सो स्टूडेंट्स इसका अगर हम फाइंड आउट करेंगे सम ऑफ n टर्म्स, सो यहाँ पे आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं कि सम ऑफ n ओड नंबर्स इज n स्क्वेयर, ठीक है, या फिर अगर आप इस AP को सोल्व करना चाहें तो देखिए क्या होगा, n बाई 2 इंटू 2a, 2a मीन्स a की वैल्यू यहाँ पर है 1, सो 2 इंटू n माइनस 1 इंटू d, d की वैल्यू स्टूडेंट्स यहाँ से होगी 2, इसको आप सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, n बाई 2 इंटू 2 प्लस 2n माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, और स्टूडेंट्स n इंटू 2n बाई 2, सो ये 2 से 2 कैंसिल आउट होकर आपका n स्क्वायर ऐसे आता है, ठीक है, सो आप कह सकते हैं कि सम ऑफ n ओड नंबर्स इज n स्क्वायर। अब जो सेकंड AP है उसका हम सम फाइंड आउट करेंगे तो देखेंगे कि कितना होगा, सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि S1 इज इक्वल्स टू n स्क्वायर। S2 देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स, S2 फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, a, a की वैल्यू यहाँ पर है 1 और d की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी 4, अब n यहाँ पर स्टूडेंट्स कितना होगा, नंबर ऑफ टर्म्स, ऊपर वाली AP में अगर नंबर ऑफ टर्म्स है n तो इसमें हम ओड प्लेसेस वाले नंबर ले, मीन्स हाफ ऑफ फर्स्ट सीरीज, सो इसमें नंबर्स होंगे n बाई 2, ठीक है, इसमें कितने टर्म्स होंगे n बाई 2। अब स्टूडेंट्स हम सोल्व करेंगे S2, S2 मतलब इस AP की जितनी भी टर्म्स हैं उनका सम, सो n बाई 2, n बाई 2 मीन्स n बाई 4 इंटू 2a, a इज 1 देन n माइनस 1, सो n कितना होगा, n बाई 2 माइनस 1 इंटू d इज 4, सो इसको हम सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, n बाई 4 इंटू 2 देन प्लस 2n माइनस 4 माइनस 4, इसको हम सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, n बाई 4 इंटू 2n माइनस 2, एंड स्टूडेंट्स 2 कॉमन जब निकाल के हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये बचेगा आपका 2, सो S2 की वैल्यू कितनी आएगी, n इंटू n माइनस 1 बाई 2। अब हम S1 बाई S2 की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, सो S1 बाई S2 इज इक्वल्स टू n स्क्वेयर बाई n इंटू n माइनस 1 इंटू 2, सो स्टूडेंट्स 1n से 1n कैंसिल आउट होगा और आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 2n बाई n माइनस 1, ओके, सो दिस विल बी योर आंसर। ओके ये शायद ऑप्शन इसमें है नहीं, तो ऑप्शन ए में स्टूडेंट्स 2n बाई n माइनस 1 विल बी आंसर, ओके, सो 23rd का आपका होगा ये आंसर 2n बाई n माइनस 1। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपका ये।
इस टाइप के क्वेश्चंस पे आप क्या सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ सेवन टाइम्स द सेवेंथ टर्म ऑफ एन ए पी इज इक्वल टू इलेवेंथ टाइम्स इट्स इलेवेंथ टर्म देन इट्स एटीनथ टर्म विल बी। सो ये भी एक यूनिक क्वेश्चन है। सेवेंथ टाइम्स द सेवेंथ टर्म, सेवेंथ टाइम्स द सेवेंथ टर्म इज इक्वल्स टू इलेवन टाइम्स इट्स इलेवेंथ टर्म्स, दिस रिलेशन इज गिवेन देन फाइंड इट्स एटीनथ टर्म। ये हमारा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। सो सेवेंथ टर्म और इलेवेंथ टर्म को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सेवेंथ टर्म मीन्स ए प्लस सिक्सटी, सेवन इंटू ए प्लस सिक्सटी इज इक्वल्स टू इलेवन इंटू ए प्लस, इलेवेंथ टर्म का मतलब होगा टेन डी, ठीक है, इसको हम सोल्व करेंगे। सो सेवन ए प्लस फोर्टी टू डी इज इक्वल्स टू इलेवन ए प्लस वन हंड्रेड टेन डी। अब हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स को ले आएंगे इस साइड में। सो ये हो जाएगा इलेवन ए माइनस सेवन ए फोर ए प्लस वन हंड्रेड टेन डी माइनस फोर्टी टू डी। सो वन हंड्रेड टेन माइनस फोर्टी सेवेंटी एंड सेवेंटी माइनस टू सिक्सटी, एट डी इज इक्वल टू जीरो। फोर यहाँ से जब कॉमन निकालेंगे देन ए प्लस सेवनटीन डी इज इक्वल टू जीरो एंड ए प्लस सेवनटीन डी इज इक्वल टू जीरो। स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, यहाँ पर ये जो ए प्लस सेवनटीन डी है इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए एटीन। सो ए एटीन इज इक्वल टू जीरो मीन्स एटीनथ टर्म ऑफ दिस ए पी इज जीरो, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, ये आपका हुआ 24th क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छा लगा होगा। अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे और इंटरेस्टिंग हैं एंड आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपके कॉन्सेप्ट भी यहाँ से बन रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 25th, फाइंड द सम ऑफ द प्रोग्रेशंस 513 प्लस 21 अप टू 181। सो स्टूडेंट्स इस केस में हमें फाइंड आउट करना है सम ऑफ दिस ए पी। सो फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म इज गिवन, सो वी विल यूज दिस फॉर्मूला एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू इन टू ए प्लस एल। सो इस केस में ए बी गिवन है, एल बी गिवन है, बट एन मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस ए पी इज नॉट गिवन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट दैट बाई यूजिंग दिस फॉर्मूला, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी। सो ए एन मीन्स 181, ए इज 5 प्लस एन हमें फाइंड आउट करना है एंड कॉमन डिफरेंस इज 13 माइनस 5 8। सो 181 माइनस 5 176 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 8। सो स्टूडेंट्स एन माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2 2, ठीक है, इसको जब डिवाइड करेंगे 8 से, ए 2 जार 16 एंड ए 2 जार 16। सो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 23। अब आप ये सारी वैल्यूज यहाँ पुट कर दीजिए इस फॉर्मूले में। सम ऑफ 23 टर्म्स इज इक्वल्स टू 23 बाई 2 इन टू ए, ए इज 5 एंड एल इज 181, सो 186, ठीक है, इसको जब कैंसिल आउट करेंगे तो 93। सो आंसर कितना हो जाएगा, 23 इंटू 93। इसमें यहाँ पर जितनी भी टर्म्स हैं 23 टर्म्स उनका जब सम करेंगे आप तो कितना आएगा, 23 इंटू 93। इसका प्रोडक्ट करने के बाद आपका आंसर रहेगा स्टूडेंट्स 2139, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, ये आपका हुआ 25th क्वेश्चन। 26th पे चलते हैं। इफ द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ टू ए पीज आर इन द रेशियो देन देयर एंथ टर्म्स आर इन द रेशियो। ओके, तो यहां पर क्या गिवन है देखो, मान लीजिए दो ए पी हैं, ए पी वन एंड ए पी टू। सो एस वन बाई एस टू इज इक्वल्स टू थ्री एन प्लस फाइव बाई थ्री सॉरी फाइव एन प्लस सेवन। अब देखिए हमें फाइंड आउट क्या करना है, रेशियो ऑफ देयर एंथ टर्म मीन्स ए वन एन एंड ए टू एन, ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट जो हमने यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड ए पी एज्यूम की हैं, इसकी फर्स्ट टर्म मानिए ए वन एंड कॉमन डिफरेंस डी वन, और सिमिलरली जो सेकेंड ए पी इसकी फर्स्ट टर्म ए टू एंड इसका कॉमन डिफरेंस डी टू। सो यहाँ पर जब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो कितना होगा, एन बाई टू इंटू टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी वन डिवाइडेड बाय एन बाई टू इंटू टू ए टू प्लस एन माइनस वन इंटू डी टू एंड दिस इज इक्वल्स टू थ्री एन प्लस फाइव डिवाइडेड बाय फाइव एन प्लस सेवन। सो एन बाई टू से एन बाई टू कैंसिल आउट हो जाएगा बिकॉज एंथ टर्म्स का ही ये रेशियो था। ओके, सो एन इज इक्वल इन बोथ द केसेस। अब यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी वन डिवाइडेड बाई
टू ए टू प्लस एन माइनस वन इन टू डी टू विच इज इक्वल टू थ्री एन प्लस फाइव डिवाइडेड बाई फाइव एन प्लस सेवन। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर टर्म्स का रेशियो लेके आना है। टर्म्स का रेशियो मतलब ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी, इस फॉर्म में ये लेके आना है, इस फॉर्मेट को। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एन को रिप्लेस करेंगे स्टूडेंट्स, किससे रिप्लेस करेंगे, टू एन माइनस वन। क्यों रिप्लेस कर रहे हैं वो अभी आपको पता चलेगा। देखिए रिप्लेसिंग एन बाय टू एन माइनस वन, ये जो एन है लेफ्ट में और राइट साइड में, इनको आप रिप्लेस कर दीजिए टू एन माइनस वन से। सो ये रेशियो क्या होगा, टू ए वन प्लस टू एन माइनस वन, एंड माइनस वन ऑलरेडी देयर, सो डी वन डिवाइडेड बाय टू ए टू प्लस टू एन माइनस वन इन टू डी टू इज इक्वल्स टू थ्री एन प्लस फाइव डिवाइडेड बाई फाइव एन प्लस सेवन। अब देखिए यहाँ पर जो ये टर्म्स हैं, ये होगा टू एन माइनस टू, और टू एन माइनस टू से हम टू कॉमन निकाल सकते हैं। सो यहाँ टू होगा और यहाँ टू होगा, सो कंप्लीट में से टू कॉमन निकाल के और नीचे से भी टू कॉमन निकाल के कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है। और तब हमारा वही फॉर्मूला बनेगा ए प्लस एन माइनस वन डी वाला, इस फॉर्म का, ठीक है ना। तो इस वजह से हमने एन को रिप्लेस किया टू एन माइनस वन से। सो अब हम इसको सोल्व कर लेंगे स्टूडेंट्स, ये कितना आएगा देखिए, टू ऊपर से कॉमन निकलेगा तो अंदर बचेगा आपका ए वन प्लस एन माइनस वन इन टू डी वन, एन डिवाइडेड बाई टू इन टू ए टू प्लस एन माइनस वन इन टू डी टू इज इक्वल्स टू, ओके स्टूडेंट्स यहाँ राइट साइड में भी हम इसको रिप्लेस करेंगे एन को टू एन माइनस वन से। सो थ्री इन टू टू एन माइनस वन प्लस फाइव डिवाइडेड बाई फाइव इंटू टू एन माइनस वन प्लस सेवन। सो इसको जब सोल्व करेंगे तो कितना होगा स्टूडेंट्स, सिक्स एन माइनस थ्री प्लस फाइव डिवाइडेड बाई टेन एन माइनस फाइव प्लस सेवन। सो सिक्स एन प्लस टू डिवाइडेड बाई टेन एन प्लस टू, टू से टू यहाँ से कैंसिल आउट होगा स्टूडेंट्स। नाउ ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी वन मीन्स ए वन एन डिवाइडेड बाई ए टू एन मीन्स nth टर्म ऑफ बोथ द ए पीस। सो यहाँ से राइट साइड में स्टूडेंट्स, यहाँ से भी हम टू कॉमन लेंगे और डिनोमिनेटर से भी टू कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देंगे, और उसके बाद हमारे पास बचेगा थ्री एन प्लस वन डिवाइडेड बाई फाइव एन प्लस वन। सो दिस विल बी आवर आंसर। ये जो दोनों ए पीज हैं इनकी nth टर्म का रेशियो क्या होगा, थ्री एन प्लस वन बाई फाइव एन प्लस वन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। नाउ 27th क्वेश्चन, फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इफ इट्स एसएन इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर प्लस टू एन इज। सो इफ एसएन इज गिवन देन वी कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एस वन, एंड एस वन मीन्स ए वन फर्स्ट टर्म, सो इट विल बी वन प्लस टू, थ्री विल बी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हमने पहले भी ऐसा सेम टाइप का क्वेश्चन किया है। 28th क्वेश्चन, द सेकेंड टर्म ऑफ एन एपी इज 13 एंड फिफ्थ टर्म इज 25, वॉट इज इट्स 17th टर्म। सो क्वेश्चन क्या है देखिए, सेकेंड टर्म गिवन है 13, फिफ्थ टर्म गिवन है 25, देन व्हाट इज इट्स 17th टर्म, ए 17 हमें फाइंड आउट करना है। सो सेम टाइप के क्वेश्चन हम ऊपर कर चुके हैं, आपको पहले इन दोनों इक्वेशन से ए और डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, एंड उसके बाद आप ए प्लस 16 डी की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। सो इस क्वेश्चन को स्टूडेंट्स आप करेंगे खुद से, और इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन डी 73। आप प्रैक्टिस करके जरूर देख रहे इस क्वेश्चन को। 29th क्वेश्चन देखेंगे, द कॉमन डिफरेंस ऑफ द ए पी हुज एस एन इज इक्वल टू थ्री एन स्क्वेयर प्लस सेवन एन इज। स्टूडेंट्स इस टाइप के क्वेश्चन भी हम ऊपर कर चुके हैं, यहाँ पर एस एन की वैल्यू गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है कॉमन डिफरेंस। सो कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या होता है, ए टू माइनस ए वन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एस वन और एस टू की। सो एस वन की वैल्यू कितनी होगी, थ्री प्लस सेवन टेन होगी, देन एस टू, टू यहाँ जब पुट करेंगे तो फोर थ्री आर ट्वेल्व, एंड ट्वेल्व प्लस फोर्टीन इट विल बी 26। सो स्टूडेंट्स एस वन की वैल्यू को ही हम बोलते हैं ए वन, बट ए टू कितना होगा, एस टू माइनस एस वन, ऊपर मैंने बताया भी था कि क्यों होगा। सो ए टू की वैल्यू होगी 16 और ए वन की वैल्यू है 10, सो कॉमन डिफरेंस इज 6। 29th का ऑप्शन होगा आपका ए करेक्ट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी हम कर चुके हैं। 30th क्वेश्चन देखिए, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स ऑफ एन ए पी आर 1 एंड 11 इफ देयर सम इज 36, देन द नंबर ऑफ टर्म्स विल बी।
सो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है. आपके पास ए गिवन है एंड लास्ट मीन्स एल गिवन है एंड देयर सम मीन्स एस एन, सम ऑफ एन टर्म्स इज 36. सो हमें एन की वैल्यू फाइंड आउट करना है. सो सिंपली यूज दिस फॉर्मूला, एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू इन टू ए प्लस एल. एंड इस फॉर्मूले को यूज करके वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एन. सो एस एन की वैल्यू जब हम यहाँ पुट करेंगे 36 इज इक्वल्स टू एन बाई टू इन टू ए वन प्लस इलेवन. सो ये होगा एन बाई टू इंटू 12. नाउ 2 6 आर 12 एंड एन की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 6. सो नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस इन दैट सीरीज विल बी 6. ऑप्शन डी इज करेक्ट. ठीक है, ये होगा आपका 30th क्वेश्चन. 31st क्वेश्चन देखिए, एन टर्म ऑफ द एपी एंड एपी आर इक्वल देन द वैल्यू ऑफ एन. ये भी देखिए यूनिक क्वेश्चन है, पहले हमने इस टाइप का क्वेश्चन नहीं किया है. तो यहाँ से हम इसकी एंथ टर्म फाइंड आउट करेंगे और यहाँ से हम इसकी एंथ टर्म फाइंड आउट करेंगे, दोनों इक्वल है तो हमें एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी. ठीक है, सो इसकी एंथ टर्म क्या होगी स्टूडेंट्स, ए ए मीन्स 63 फर्स्ट टर्म ऑफ दिस ए पी प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी मीन्स 65 माइनस 63 टू. ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू ए एन ऑफ दिस ए पी. इस ए पी का ए एन क्या होगा स्टूडेंट्स, ए प्लस एन माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस मीन्स 7. अब इनको हम इक्वेट करके वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एन की. 63 प्लस एन माइनस वन इंटू टू इज इक्वल्स टू 3 प्लस एन माइनस वन इंटू 7. इसको जब इस साइड में लेके आएंगे तो ये होगा 60 प्लस इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 2n माइनस 2 एंड स्टूडेंट 7n माइनस 7 होगा राइट साइड में. सो 58 प्लस 7 जो कॉन्स्टेंट टर्म्स है इसको हम एक साइड में ले आएंगे. सो ये होगा आपका 60 माइनस 258 एंड दिस 7 विल बी एडेड टू 58. नाउ 7n माइनस 2n, ओके, सो 5n विल बी 65 एंड n इज इक्वल्स टू 13. सो वैल्यू ऑफ n विल बी 13. ऑप्शन बी इज करेक्ट. तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका है. इस टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके एग्जाम में आ सकते हैं. ओके, नाउ 32nd क्वेश्चन, द फिफ्थ टर्म ऑफ एन ए पी इज 20. इट मीन्स ए 5 इज इक्वल्स टू 20. सम ऑफ इट्स 7th एंड 11th टर्म मीन्स ए 7 एंड ए 11 इज इक्वल्स टू 64. द कॉमन डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है. ओके, सो स्टूडेंट्स ए 5 मीन्स ए प्लस 4d इज इक्वल्स टू 20 और इसको जब हम सोल्व करेंगे देन ए प्लस 60 प्लस 11th टर्म मीन्स ए प्लस 10d इज इक्वल्स टू 64. इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे देन 2a प्लस 16d इज इक्वल्स टू 64 एंड a प्लस 8d इज इक्वल्स टू 32. नाउ सोल्व दीज टू इक्वेशंस, सब्ट्रैक्ट बोथ द इक्वेशंस देन वी विल गेट 4d इज इक्वल्स टू 12 एंड d इज इक्वल्स टू 3. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. ओके, सो ये क्वेश्चन भी आपका इजी क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. 33rd, सेवेंथ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द ए पी इज. सो इसके स्टूडेंट्स मैंने दो मेथड आपको बता दिए हैं ऑलरेडी. सो ये आप खुद से करेंगे और इसका आंसर क्या होगा आप मुझे कमेंट्स में बताना. ठीक है, सोल्व करके. 34th क्वेश्चन देखते हैं, द फर्स्ट टर्म ऑफ द ए पी इज पी एंड कॉमन डिफरेंस इज क्यू, फाइंड इट्स 10th टर्म. सो फर्स्ट टर्म इज पी, कॉमन डिफरेंस इज क्यू. 10th टर्म का स्टूडेंट्स मतलब क्या होगा कि ए प्लस 9d हमें फाइंड आउट करना है. फर्स्ट टर्म इज पी एंड कॉमन डिफरेंस इज क्यू. सो पी प्लस 9q इज द आंसर. 34th का ऑप्शन होगा डी करेक्ट. 35th, सेवेंथ टर्म ऑफ एन ए पी इज माइनस 1 एंड इट्स 16th टर्म इज 17, द nth टर्म ऑफ द ए पी इज. सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ए 7 इज इक्वल्स टू माइनस 1, ए 16 इज इक्वल्स टू 17. दोनों को रिप्लेस करेंगे स्टूडेंट्स, ए प्लस 6d एंड ए प्लस 15d. वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए एंड डी फ्रॉम दोज टू इक्वेशंस एंड देन nth टर्म हमें फाइंड आउट करना है. सो nth टर्म मीन्स ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. इसमें हम स्टूडेंट्स ए ओ डी की वैल्यू रखेंगे और हमारा जो आंसर आएगा दैट विल बी 2n माइनस 15. ये होगा उसका आंसर. ठीक है, ये भी आपको खुद से करना है स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने ऊपर ऐसे क्वेश्चंस कर लिए हैं तो ये क्वेश्चंस आपके लिए प्रैक्टिस के लिए. ठीक है, 36th क्वेश्चन, इफ फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी इज ए एंड nth टर्म इज बी देन इट्स कॉमन डिफरेंस. ये क्वेश्चन हम देख लेते स्टूडेंट, थोड़ा सा डिफरेंट है. फर्स्ट टर्म इज ए एंड nth टर्म इज बी. nth टर्म मीन्स ए प्लस
एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू बी, दिस इज गिवन। अब हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है स्टूडेंट, सो वी विल सोल्व दिस इक्वेशन फॉर डी। कैसे सोल्व करेंगे देखो, एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू बी माइनस ए, बी माइनस ए। अब हमें डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सो डी विल बी बी माइनस ए बाय एन माइनस वन, यही इसका आंसर होगा। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, बी माइनस ए बाय एन माइनस वन। 37th क्वेश्चन देखेंगे, इफ nth टर्म ऑफ एन ए पी इज 2n प्लस 1, देन द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन ए पी इज। सो nth टर्म इस ए पी की स्टूडेंट्स क्या है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 2n प्लस 1, तो सम ऑफ n टर्म्स हमें फाइंड आउट करना है। सो फॉर फाइंडिंग आउट द सम ऑफ n टर्म्स वी नीड a d, वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a एंड d फ्रॉम हियर। a n इज इक्वल टू 2n प्लस 1, so a1 will be 2 plus 1 3 and a2 will be 2 into 2 plus 1 so 5, so first term is 3 and common difference is 2, okay. Now put these values for finding out the sum of n terms, so sn is equals to n by 2 into 2a means 2 into 3 6 plus n minus 1 into d, d is 2. Solve this equation, n by 2 into 6 plus 2n minus 2, so n by 2 into 4 plus 2n, and it will be n into n plus 2, okay, n into n plus 2 means option D is correct. 38th question, the common difference of the AP is, so common difference, we can find out the common difference by subtracting two successive terms, so successive terms means 1 minus p by p minus 1 by p, so p inka hoga LCM and 1 minus p minus 1, so 1 se 1 cancel out and minus p by p, so p se p cancel out and common difference will be minus 1, so option A is correct. 39th question, if a b and c are in ap then b, if a b and c are in ap then difference between two successive terms will be equal, so b minus a is equals to c minus b, these are in ap. Ab hame b ki value find out karni hai, so transpose this minus b to left hand side, so 2b is equals to c plus a and value of b will be a plus c by 2, a plus c by 2 means option d is correct. So ye sari questions bhi apne aap mein unique hain एंड आई होप कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट बन गया होगा। नाउ लास्ट क्वेश्चन 40th, इन एन एपी इफ ए इज इक्वल टू माइनस 7.2, डी इज 3.6, ए एन इज 7.2, देन एन। सो सिंपली हमें ए एन का फॉर्मूला यहां पुट करना है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 7.2, ए इज माइनस 7.2 प्लस एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, एंड डी इज 3.6 इज इक्वल टू 7.2। सो इस इक्वेशन को हम n के लिए सोल्व करेंगे, सो स्टूडेंट 7.2 प्लस 7.2, ठीक है, इसको जब इस साइड ले करेंगे तो 14.4 होगा, एंड 14.4 डिवाइडेड बाय 3.6 इट विल बी 4, सो n की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, 5, ठीक है। सो 40th का आपका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन सी। सो स्टूडेंट्स ये हुए हमारे 40 क्वेश्चंस, नाउ लास्ट 10 क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ द ए पी 0.9, 0.6, 0.3 इज, सो कॉमन डिफरेंस इज द डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव टर्म्स ए टू माइनस ए वन, सो 0.6 माइनस 0.9 इट विल गिव अस माइनस 0.3, ओके, सो कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू माइनस 0.3। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉमन डिफरेंस ऑफ द ए पी, सो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप क्लियरली देख सकते हैं 9.5 एंड 5.5, सो इसका डिफरेंस कितना होगा, 4। अब आप यहाँ पर एलसीएम लेके भी सोल्व करके देख सकते हो, 9.5 मीन्स 19/2, 5.5 मीन्स 11/2, सो इट विल बी 8/2 और आपका 4 आंसर होगा, ठीक है। तो ऐसे आप कोई सोल्व भी करके देख सकते हैं। नाउ माइनस 81 इज द टर्म ऑफ द ए पी 21, 18 एंड 15। स्टूडेंट्स सेम क्वेश्चन हम ऊपर कर चुके हैं, सो ये हुआ आपका रिपीटेड, इसका आंसर आपको बताना है कि कितना होगा, ठीक है। डी पार्ट, फाइव कंजिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन ए पी आर डिनोटेड बाई ए माइनस टू डी, ए माइनस डी, ए ए प्लस डी एंड फिफ्थ टर्म। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको ऊपर बताया था कि अगर फाइव टर्म्स हमें एज्यूम करनी है या फिर
कोई एपी की गिवन है तो वो इस फॉर्मेट की होगी। सो इसमें जो फिफ्थ टर्म होगी वो होगी ए प्लस टू डी फॉर्मेट की, ठीक है। नाउ ई पार्ट, थर्ड टर्म ऑफ एन एपी वेयर ए इज माइनस टेन डी इज टू इज, सो ए इज माइनस टेन, देन स्टूडेंट्स नेक्स्ट टर्म कितनी होगी, वी विल एड कॉमन डिफरेंस टू दिस टर्म, सो माइनस एट, एंड माइनस एट में जब प्लस टू एड करेंगे देन माइनस सिक्स, देन नेक्स्ट टर्म कैसे ऑप्टेन करेंगे, वी विल एड कॉमन डिफरेंस टू दिस टर्म। और स्टूडेंट्स एपी की डेफिनेशन भी यही है दैट नेक्स्ट टर्म, ईच नेक्स्ट टर्म इज ऑप्टेन्ड बाई एडिंग अ फिक्स नंबर टू इट्स प्रीसीडिंग टर्म, ओके। ये है एपी की डेफिनेशन, और ये जो फिक्स नंबर है दिस इज द कॉमन डिफरेंस, ठीक है। सो माइनस टेन, माइनस एट एंड माइनस सिक्स विल बी द थर्ड टर्म, सो इसका आंसर कितना हो जाएगा, माइनस सिक्स। एफ पार्ट, द कॉमन डिफरेंस ऑफ द ए पी, वन बाई पी, वन माइनस पी बाई पी, तो ये भी आपका क्वेश्चन रिपीटेड है, ये क्वेश्चन भी आपको खुद से करना है, इसका आंसर कितना होगा, माइनस वन, अभी अभी हमने ऊपर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ इन एन ए पी ए इज इक्वल टू फाइव डी इज इक्वल टू जीरो, देन द 22nd टर्म, 22nd टर्म का क्या मतलब होगा स्टूडेंट्स, ए 22 मीन्स ए प्लस 21 डी। अब यहाँ पर ए और डी गिवन है, सो ए इज 5 एंड डी अगर 0 होगा तो स्टूडेंट्स 21d विल बी 0, सो 22nd टर्म कितनी होगी, 5। अब देखिए यहाँ पर पहली टर्म भी आपके 5 है और 22 टर्म भी 5 है, तो सारी टर्म्स इसकी क्या होंगी, 5 5 5 5 5 5 एंड 5, बिकॉज इसका कॉमन डिफरेंस है 0, ठीक है। तो इस टाइप की भी एपी हो सकती है, ठीक है, तो इसका आंसर कितना होगा, 5। यहाँ से स्टूडेंट्स आप एक अंदाजा और लगा सकते हैं कि अगर कॉमन डिफरेंस 0 हुआ देन ऑल टर्म्स ऑफ एन एपी विल बी इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20th टर्म ऑफ द सीक्वेंस, सो ये यहाँ पर एपी गिवन है और आपको फाइंड आउट करना है ए 20, आप खुद से करेंगे, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इट विल बी माइनस 69। नेक्स्ट क्वेश्चन, 45th टर्म ऑफ एन एपी विद फर्स्ट टर्म 15 एंड कॉमन डिफरेंस माइनस 2, सो इस केस में आपको ए 45 फाइंड आउट करना है, मीन्स ए प्लस 44d, एंड ए गिवन है 15 एंड स्टूडेंट्स कॉमन डिफरेंस है माइनस 2, सो 15 माइनस 88 विल बी आंसर, ठीक है, माइनस 73 विल बी आंसर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर टूडेज वीडियो, 149 फॉर्म अ सीक्वेंस इन विच नेक्स्ट टू टर्म्स आर, सो 149 एक टाइप की सीक्वेंस बना रही है यहाँ पे, तो नेक्स्ट टू टर्म्स इसमें क्या होगी, सो स्टूडेंट्स देखिए 149 नेक्स्ट टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए अगर इसका डिफरेंस हम देखेंगे तो डिफरेंस यहाँ पे वेरी कर रहा है, डिफरेंस वेरी कर रहा है इसका मतलब कि ये एक एपी नहीं है, बट एपी नहीं है बट एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस पर्टिकुलर टाइप के आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या पैटर्न बना होगा, 3 5 मतलब 2 का डिफरेंस इंक्रीज हुआ है, द नेक्स्ट नंबर में भी 2 का डिफरेंस इंक्रीज होगा, 7, सो 9 प्लस 7 16, देन 16 प्लस 9 25, ठीक है, एक तो इनका हुआ ये, या फिर इसका एक अल्टरनेट मेथड आप देख सकते हैं कि 1 इज द स्क्वायर ऑफ 1, 4 इज द स्क्वायर ऑफ 2, 9 इज द स्क्वायर ऑफ 3, नेक्स्ट जो नंबर होगा 4th टर्म दैट विल बी द स्क्वायर ऑफ 4, ठीक है, एंड उसके जो आगे वाला नंबर होगा वो होगा स्क्वायर ऑफ 5, और उससे नेक्स्ट वाला होगा नंबर स्क्वायर ऑफ 6, ठीक है, सो 16 एंड 25, यहाँ से भी अगर आप देखेंगे 4 स्क्वायर 16 एंड 5 स्क्वायर 25, सो आंसर विल बी सेम, 16 एंड 25 विल बी द आंसर ऑफ आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ टूडेज वीडियो। सो स्टूडेंट्स आज की वीडियो हमारी काफ़ी लेंदी हो चुकी है एपी की, बट हमने इस वीडियो में काफ़ी सारे यूनिक यूनिक क्वेश्चन सोल्व किए, ठीक है, वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चन वी हैव डिस्कस्ड इन आवर टूडेज वीडियो, एंड अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देख लिया होगा तो मुझे नहीं लगता कि आपको एपी में कोई भी कन्फ्यूजन अब रहा होगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस 50 क्वेश्चंस फ्रॉम आवर नेक्स्ट चैप्टर ट्रायंगल्स, सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।